नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आर्सेनल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। दोस्तों, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कौन से एक्सपेंसेस पे काटा जाता है, टीडीएस काटने की लाइबिलिटीज किसकी बनती है और किस परसेंटेज से टीडीएस को काटा जाता है, और टीडीएस काटने के बाद में इसकी एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर टीडीएस को ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करता है, और कौन कौन सी फीचर्स हमें टैली में इनेबल करने पड़ते हैं टीडीएस की एंट्री करने से पहले। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप टीडीएस को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम टैली, वीजी, मार्ग, फेटेक्स, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें भी टीडीएस होता क्या है, तो टीडीएस एक तरीके का एडवांस इनकम टैक्स है, तो जो कि एक्सपेंसेस पे, खर्चों पे टीडीएस काटा जाता है। सभी खर्चों पे टीडीएस नहीं कटता, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो टीडीएस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर जो ऐसे खर्चे जो टीडीएस की कैटेगरी में आते हैं, अगर ऐसा खर्चा हम हमारे बिजनेस में करते हैं तो हमें उसका जो पार्टी को जो भुगतान करते हैं उसका भुगतान हमें 100% नहीं करना होता। जो इसकी टीडीएस रेट फिक्स करी हुई है, कौन सी अमाउंट से ज़्यादा का अगर अमाउंट बनती है तो किस रेट से उसका टीडीएस काटा जाएगा, तो जो टीडीएस काटने के बाद में जो अमाउंट बनती है वही हमें पार्टी को भुगतान करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सिंपल एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट का। अब मान लीजिए हमने किसी पार्टी से सामान खरीदा और उस पार्टी ने ये कंडीशन बना रखी थी कि अगर आपने हमारी जो गुड्स आपने परचेज़ किया इसका भुगतान आपने टाइम पे नहीं किया तो हम आपसे ब्याज लेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो अगर उसके बाद में उस ब्याज की अमाउंट सपोज करो 5,000 से ऊपर बनती, यानी कि इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 5,000 है, अगर हम 5,000 से कम का अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हमें टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा का अगर हम उस पार्टी को इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं ब्याज के रूप में, तो हमें पूरा नहीं करना, उसके जो टीडीएस का जो रेट है यानी कि 7.5% 7.5% उस अमाउंट में से डिडक्ट हम करेंगे। अब मान लीजिए हमने हमारे सप्लायर्स को 8,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें देना है, तो हम पूरी जो नेट अमाउंट 8,000 रुपये है वो हमें उनको भुगतान नहीं करेंगे, 8,000 में से 7.5% का टीडीएस हम काटेंगे। तो अगर हम बात करें भी 8,000 रुपये का 7% टीडीएस हमारा कितना बनेगा, तो 8,000 रुपये अमाउंट इंटू 7.5%, तो यानी कि 8,000 में से हम 600 रुपये टीडीएस के रूप में काट लेंगे, और ये जो 600 रुपये टीडीएस हमने काटा है ये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटीज बन चुकी है। तो इस टाइप की एंट्री, इस टाइप के खर्चों की एंट्री अगर हमारे बिजनेस में होती है तो इसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हमें टीडीएस को भी इनेबल करते हैं, तो ये आज सब कुछ हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहना, और अब हम चलते हैं हमारे टैली की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें टैली सॉफ्टवेयर में टीडीएस के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। अगर हम टीडीएस को ऑप्शन को इनेबल करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे कंपनी पे जाके और F11 फीचर आप देख रहे हो इस पे हम क्लिक करेंगे, या हम कीबोर्ड से शॉर्टकट F11 भी दबा सकते हैं। तो जैसे मैंने F11 प्रेस किया तो आप इस टैक्सेशन के हेड में आप देख सकते हो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इनेबल टीडीएस, यानी कि टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसे हमें यस करना पड़ेगा। तो जैसे हम टीडीएस को यस करेंगे तो कुछ टीडीएस से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम जीएसटी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसी तरीके से अगर हमारी लाइबिलिटीज बनती है टीडीएस काटने की तो हमें 10 नंबर के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके बाद हमें 10 नंबर मिलता है जो कि 10 डिजिट का होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डेमो के रूप में टीडीएस नंबर डालता हूँ,
आप देख इस सीरीज में इस तरीके का 10 नंबर होता है, और उसके बाद में हम इंटरप्रेस करेंगे और हमारे से यहाँ से ऑप्शन मांग रहे हैं डिडक्टर टाइप, यानी कि जो टीडीएस काटता है वो किस टाइप का डिडक्टर है, वो किसी कंपनी की कैटेगरी में आता है या इंडिविजुअल या एचयूएफ है। तो हमारी कंपनी इंडिविजुअल में है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, तो आप अपने ब्रांच के डिवीजन के अनुसार जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो हमें डिवीजन ब्रांच का भी पता चलता है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद में एक ऑप्शन आता है सेट एल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप ऐसे पर्सन का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो इस टीडीएस के डिपार्टमेंट को, इस टीडीएस के हेड को देखता है, यानी कि जो टीडीएस काटने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबल की डिटेल में देनी पड़ती है, यानी कि उस आदमी का नाम क्या है, सनोप क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है उस बिजनेस में, यानी कि वो एज ए अकाउंटेंट है या मैनेजर है या सुपरवाइजर है या प्रोपराइटर है, जो भी है, और उसके बाद में उसका पैन नंबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पूरा नाम, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक बार फिलअप कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे अकाउंटेंट कर देंगे, पैन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, और ये इंटर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसे सेव करेंगे। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी हम टाइप कर देंगे, तो इंटर प्रेस करते हुए इसे सेव करेंगे और इसे भी सेव करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा ये जो टीडीएस है वो इनेबल हो चुका है, और अब हम हमारे बिजनेस में कुछ जो ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले टेली की होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली पे, और उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और डे बुक पर, और हम F2 से एक बार सारी ट्रांजेक्शन ओपन करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन हमने करी है, सेल है, परचेज है, पेमेंट है, रिसिप्ट है। अब एक हमारा सप्लायर है विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, हमने इस सप्लायर से ये गुड्स परचेज किए, और इस सप्लायर ने हमारे साथ एक कंडीशन रखी हुई थी, अगर आपने हमारी पेमेंट जो टाइम पे नहीं दी तो हम इसकी आप पे इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए अब इस पार्टी का इंटरेस्ट बन गया 8,000 रुपये का, और इस पार्टी ने हमें 31/10 को इंटरेस्ट का एक डेबिट नोट भी सेंड कर दिया। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी, अगर पार्टी ने 8,000 रुपये का इंटरेस्ट का अगर हमें डेबिट नोट भेजा तो हम 8,000 रुपये पूरा उस पार्टी को भुगतान नहीं करेंगे, टीडीएस भी उसमें डिडक्ट होएगा। किस तरीके से होएगा, तो सबसे पहले हमें कुछ लेजर यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो हमें इंटरेस्ट का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पर लेजर पे, और लेजर पे जाने पर हम यहाँ पर लेजर को बनाएंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेड, और उसके बाद में अंडर, तो हमें ये पूछेगा भी आप किसके अंडर में से रखना चाहोगे, ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो हमें पता है हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, तो हमें रखेंगे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और टाइप ऑफ लेजर में से नॉट एप्लीकेबल, GST इस पे हम अभी चार्ज नहीं करें तो इसे हम रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद में इज TDS एप्लीकेबल, क्या आपने जो खर्चे का लेजर बनाया है इस पे TDS की लाइबिलिटीज बनती है, यानी कि ये TDS की कैटेगरी में आता है क्या, तो बिल्कुल आता है, तो हम इसे यहाँ पे करेंगे एप्लीकेबल। और उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि किस टाइप की पेमेंट है, तो आप नेचर ऑफ पेमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो ये नेचर ऑफ पेमेंट ही है, तो ये हमें इंटरेस्ट पेमेंट बाई अदर, ये नेचर ऑफ पेमेंट हमें टेली में क्रिएट करनी पड़ेगी एक नई क्लास, तो इसके लिए हम करेंगे क्रिएट पे, और सेम वही नाम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट बाई अदर, तो आप ये नेचर ऑफ पेमेंट में जो लिखा है वो एज इट इज भी हम टाइप कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट बाई अदर। दोस्तों यहाँ पे अदर क्यों लिखा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी दिया जा सकता है, और इंटरेस्ट बैंक के द्वारा भी दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा भी इंटरेस्ट पेमेंट बाई बैंक नॉन सीनियर सिटीजन और इंटरेस्ट पेमेंट बाई सीनियर सिटीजन, तो इनकी भी एक लिमिट है, अगर
इंटरेस्ट बैंक हमें देता है, अगर उसकी पेमेंट इंटरेस्ट की जो अमाउंट बनती है 40,000 रुपये ज़्यादा से बनती है तो बैंक हमारे से 7.5% का TDS काटने के बाद हमें भुगतान करता है। और ये सीनियर सिटीजन के लिए, अगर सीनियर सिटीजन को बैंक 50,000 से ज़्यादा का भुगतान अगर करता है ब्याज के रूप में तो 7.5% का TDS काटता है। और ये जो 5,000 रुपये की जो अमाउंट है ये केवल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, इसमें बैंक का कोई लेन देन नहीं होता भाई अदर। और उसके बाद में सेक्शन, तो सेक्शन भी आपके सामने ये देखो 194A, तो ये इसका सेक्शन कोड होता है, तो 194A भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में पेमेंट कोड, पेमेंट कोड होगा ओनली 94A। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विद पेन, यानी कि अगर आप ऐसे सप्लायर्स का मतलब TDS काट रहे हो उसके पास पेन नंबर है तो आप किस रेट से कटेगा, तो 7.5% से। और अदर के लिए भी ये 7.5% ही रहेगा, यानी कि 7.5% ही रहेगा। और डियर सॉल्ट अमाउंट यानी कि कितनी अमाउंट तक TDS नहीं कटना चाहिए, कितनी अमाउंट के बाद में कटना चाहिए, तो इंडिविजुअल के लिए इसका रेट है 5,000। तो दोस्तों ये आप TDS चार्ट गूगल से भी आप देख सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी भी कौन से एक्सपेंसेस पे कौन सा उसका सेक्शन कोड है और उसकी जो लिमिट है वो कितनी लिमिट है, और जो लिमिट है तो उसके बाद में जो TDS कटना है वो किस रेट से कटना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और 5,000 इसे हम इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे, और इसे इंटरप्रेस करते हुए इसको लेज़र को भी हम सेव कर देंगे। और उसके बाद में एक लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो TDS हमने काटा है जो हमारी लाइबिलिटीज बनेगी उसका लेज़र, तो उसका लेज़र हम बनाएंगे TDS ऑन इंटरेस्ट। तो ये हमारी लाइबिलिटीज है तो इसे हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पर हमारे से पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, हम यहाँ पर रखेंगे TDS। तो जैसे ही रखेगा तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट हमारे से पूछेगा, तो पेमेंट भी हम इंटरेस्ट पेमेंट बाई अदर कोई सेलेक्ट करेंगे और इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये दो लेज़र हमें क्रिएट करना है, और जो विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का जो हमारा सप्लायर था जिसे हमें ब्याज दे रहे हैं उसका लेज़र तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है ही, अगर नहीं है तो उसका लेज़र भी हम क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों जो लेज़र हमने क्रिएट कर रखा है उसे हमें एक बार अल्टर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके TDS से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डालनी होती है। तो इसके लिए हम जाएंगे गेट ऑफ टैली के अल्टर ऑप्शन पर, और उसके बाद में लेज़र, और जिस लेज़र पे हमें TDS एप्लीकेबल करना है उस लेज़र को सेलेक्ट करेंगे, और हमें करना है विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को। तो ये हमारा सप्लायर है, ये सेंट्री क्रेडिटर है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद में ये एक नया ट्रेजरी डिटेल है जो इसके साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि इज TDS डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी पे TDS कटेगा, इस पार्टी का आप TDS काटोगे, तो बिल्कुल कटेंगे। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से और भी मांगेगा भी डिडक्टेड टाइप, यानी कि जिसका TDS कट रहा है उस पार्टी, वो पार्टी किस कैटेगरी में आती है, वो एक कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है, या इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो किस टाइप की वो अथॉरिटी है। तो हम इसे रखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल HUF रेजिडेंस में, वो कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। और उसके बाद में डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, तो इसे हम यस रखते हुए इस वाउचर लेजर को भी हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे पेन नंबर देना कंपलसरी है, यहाँ पे लिखा भी पेन इज मैंडेटरी फॉर TDS शुड बी 10 करेक्टर, यानी कि अगर इस पर पेन नंबर हम नहीं देंगे तो इसका 20% के हिसाब से TDS है जो कटेगा, तो पेन नंबर हमें देना यहाँ पर कंपलसरी है। तो पेन नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं और इंटरप्रेस करते हुए हम सेव करेंगे। और अब इसके बाद में हमें जनरल वाउचर में जाके एंट्री करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स पर, और वाउचर पे जाने के बाद में ऐप से हम करेंगे जनरल वाउचर। अब हमने इसका जो TDS काटा है वो 31 अक्टूबर को काटा है, तो हम यहाँ पे डेट देंगे 31 अक्टूबर की, और बाई यानी कि डेबिट हमें किसको करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 8,000 रुपये की है, और क्रेडिट हम करेंगे उस पार्टी को विश्वकर्मा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे विश्वकर्मा का हमने लेज़र सेलेक्ट किया तो इसकी जो TDS काटने के बाद में जो अमाउंट बनी है वो ऑटोमेटिक ही आ गई, यानी कि इसका जो 600 रुपये जो TDS बनता रहा था वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है।
ये सब कुछ किसकी वजह से हुए, हमने सारी इन्फॉर्मेशन टीडीएस को इनेबल करने के बाद में और पार्टी की डिटेल में जाके जो टीडीएस डिटेक्टेबल है ऑप्शन को यस करने के बाद में डिटेक्टिव टाइप सेलेक्ट करने के बाद अगर करेंगे तो ये टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ पर 8,000 रुपये अमाउंट डेबिट है तो 8,000 रुपये ही यहाँ पर क्रेडिट कर देगा। इसे हम रखेंगे ऑन काउंट और यहाँ पर हम अमाउंट रखेंगे 7,700 रुपये और यहाँ पर रखेंगे 2। अब हमने जो लाइबिलिटीज का जो हमारा लेजर बनेगा, जो हमने लेजर क्रिएट किया था टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, तो ये 600 रुपये जो इसके लेजर में चले जाएंगे, यानी कि ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन चुकी है, ये हमें इस पार्टी के लिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ये टीडीएस, और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों अब एक बार हम बैलेंस शीट पर देखते हैं हमारी लाइबिलिटीज हमें शो हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट पर और एल्ट F1 के साथ डिटेल हम ओपन करेंगे और उसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज यहाँ पर आ चुकी है 600 रुपये। और एक बार हम टीडीएस की रिपोर्ट को भी हम देखेंगे, तो टीडीएस की रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर और उसके बाद में स्ट्रेस रिपोर्ट और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टीडीएस रिपोर्ट को और टीडीएस रिपोर्ट पर जाने के बाद में फॉर्म 26Q। तो फॉर्म जैसे 26Q को ओपन हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो अमाउंट एसेसिबल वैल्यू 8,000 रुपये और जो टैक्स डिडक्टेबल है वो 600 रुपये है। तो अब इसमें एक टाइप की एरर हमें शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड और यहाँ पर एक शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें अभी भी कुछ ना कुछ एरर है। तो हम एरर को चेक करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहेगा एनेबल डिमेंडेड टीडीएस एप्लीकेबल फॉर लेजर स्टॉक आइटम, एंटरप्रेस करेंगे तो ये सीजीएसटी का टैक्स बता रहा है भी इस पे आपको टीडीएस इनेबल करना या नहीं करना, तो हमें नहीं करना, तो इसके लिए हम जो इसके अलावा जो अदर लेजर है हमारे उन पे टीडीएस को ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए वापस जाएंगे एंटर पे, लेजर पे हम जाएंगे और उसके बाद सीजीएसटी टैक्स, तो सीजीएसटी टैक्स आने के बाद में यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल इसे हम रखेंगे नोट एप्लीकेबल। तो इसी तरीके से एसजीएसटी टैक्स का भी, क्योंकि जब तक हम इन्हें नोट एप्लीकेबल नहीं करेंगे तब तक ये एरर हमें वहां पर शो करता रहेगा। इस तरीके से जितने भी लेजर हमारे पास हैं, अदर जैसे फ्रेट आ गया तो फ्रेट पे टीडीएस बनता है या नहीं बनता, तो इन्हें नोट एप्लीकेबल करना पड़ता है, अदरवाइज ये सब कुछ हमें वहां पर शो करेगा नोट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से इन सभी लेजर को नोट एप्लीकेबल कर देंगे, तो वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेशनरी रिपोर्ट्स और टीडीएस रिपोर्ट 26Q। तो अब वहाँ पर वो जीरो आ चुका है, तो इस आप ये भी देख रहे हो भी यहाँ पर ये जो 600 रुपये ये लाइबिलिटीज यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो अब इस 600 रुपये को हमें ऑनलाइन डिपॉजिट करवाना है, तो ऑनलाइन डिपॉजिट करवाने के लिए एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है स्टेट पेमेंट। तो जैसे हम स्टेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये तो हो गया टीडीएस जो डिपॉजिट करवा दिया उसके बाद में ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन डिटेल डालने के लिए, तो हमें ऑनलाइन ही डिपॉजिट करवाना पड़ता है इसको टीडीएस को। किस तरीके से कराता है इसके लिए भी आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसको। तो टैक्स टाइप में हम करेंगे टीडीएस सेलेक्ट और उसके बाद में पीरियड, यानी कि कौन से मंथ का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, और यहाँ पर हम डालेंगे 31 अक्टूबर तक ये टीडीएस है। तो सेक्शन इसका 194A और नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट बाय अदर पे आएगा, और इसमें डिडक्टिव स्टेटस ये नॉन कंपनी है और उसके बाद में ये कैश के थ्रू करवाया या बैंक के थ्रू, तो हमने बैंक के थ्रू अगर जमा करवाएंगे तो उस बैंक का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जो पेमेंट अमाउंट शो करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे अक्टूबर मंथ टीडीएस। तो यहाँ पर हमें इसका जो चलान नंबर हमारे पास आएगा जमा करवाने के बाद में, तो उसका चलान का नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे और इंटरप्रेस करेंगे। तो अब हम इसको चलान को एक बार रिकंस्ट्रक्शन भी हमें करना पड़ेगा, तो 1 अक्टूबर, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है जो फिलअप हो गई है, कुछ हमें इसका ब्रांच का नाम वगैरह हमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो इस तरीके से 27Q फॉर्म वगैरह, 26Q फॉर्म वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस टैली में देखने को मिलती है। तो अगर
अगर आप किसी भी टाइप का यहाँ पर रिकंसल हमें करना हो तो यहाँ पे एक बार इंटरफेस करके इसमें किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो BSR कोड वगैरह जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो BSR कोड डाल देंगे, जो चलान का नंबर हमारे पास आया वो चलान का नंबर हम डालेंगे, उसके बाद में बैंक का नेम और उसके बाद में ब्रांच का नाम, और इंटरप्रेस करते हुए उसको सारे चलान को सेव कर देंगे। तो शो ऑल पे करेंगे तो इसमें कोई भी टाइप का अगर वो पेंडिंग चलान आपके पास है जो अभी रिकंसल नहीं हुआ है तो उसकी डिटेल भी शो कर देगा। तो अब हम एक बार बैलेंस शीट पे जाके हमारी लाइबिलिटीज देखते हैं TDS की। तो हम बैलेंस शीट पे जाएंगे और इसे मैं एल्ट F1 डिटेल ओपन करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाऊंगा। तो अब आप देख रहे हो हमारे पास जो TDS की लाइबिलिटी शो कर रही थी अब यहाँ से वो हट चुकी है। तो अगले एक बार इसका हम लेजर भी चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले पे, अकाउंट्स बुक पे और लेजर पर। तो TDS ऑन इंटरेस्ट का लेजर था, तो ये 600 रुपये एक बार क्रेडिट हुआ था इस जनरल एंट्री में और उसके बाद में 600 रुपये का हमने भुगतान कर दिया, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो हो चुका है। ये वही जनरल एंट्री है जिसकी एंट्री हमने इंटरेस्ट पेड करते वक्त करी थी। तो दोस्तों वीडियो आपको आज की कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।